3 क्लास 12th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। इन सारे क्वेश्चंस पे आप प्रैक्टिस करिए और बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं आप इजीली बना सकते हैं। और इन प्रश्नों पे यदि आपने पूरी तैयारी कर ली है तो किसी तरह का भी क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में वो आप अच्छे से कर सकेंगे। तो हम सबसे पहले अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं आपका मिड टर्म एग्ज़ाम या हाफ ईयरली एग्ज़ाम, उन हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसमें आप तैयारी करिए और पूरा का पूरा अच्छे से बनाइए। और इसमें जो क्वेश्चन देंगे एक फर्स्ट पार्ट में दे रहा हूँ क्वेश्चन का, सेकेंड पार्ट में मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी दूंगा और काफ़ी चीज़ें उसमें होंगी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हम क्वेश्चन देखें। सबसे पहले हमारे पास है ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर हमें कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, H2SO4 में S का और Cl2O7 में Cl की ऑक्सीडेशन नंबर आपको कैलकुलेट करना है। तो इन प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई परेशानी हो रही हो तो आपको मैंने इसके वीडियोस दे दिए हैं। आपका ये करना होगा कि 11th का चैप्टर नंबर 8 जो है वो कर लीजिए तो आपसे ये बन जाएगा। चलिए, या फिर इसी चैप्टर का चैप्टर नंबर 3 जो है 12th में दिया गया है उनमें से आप 12th चैप्टर नंबर 3 जो हम पढ़ रहे हैं उसके क्वेश्चन को देख करके भी आप बना सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोड विभव एवं सेल विभव में अंतर लिखना है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एवं सेल पोटेंशियल में आपको डिफरेंस बताना है क्या अंतर है। गैल्वेनिक सेल विद्युत अपघटनी सेल में कोई चार अंतर बताइए। गैल्वेनिक सेल यानी इसको वोल्टिक सेल कह सकते हैं या डेनियल सेल कहेंगे, और दूसरा विद्युत अपघटनी सेल यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कोई चार डिफरेंस बताना है। क्वेश्चन नेक्स्ट है धातु संक्षारण यानी मेटल कोरोजन किसे कहते हैं, इनको बताना है। तो इनमें है शुद्ध लोहे पर यानी आयरन पर होने वाले कोरोजन या संक्षारण को आपको समझाना है। जंग क्या है, या ये दोनों क्वेश्चन यानी जंग लगना, लोहे पर जब कोरोजन होता है तो उसको हम जंग लगना बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं, रस्ट। तो इसी तरह से इनमें क्या सिद्धांत है, किस सिद्धांत के आधार पर ये रस्टिंग होती है या कोरोजन होता है, इनको बताना है। विद्युत रासायनिक सिद्धांत होता है जिसको आप जानते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी के बेस पर होता है। लवण सेतु सॉल्ट ब्रिज क्या है और उनके दो कार्य, दो उसके फंक्शन आपको बताना है, दो यूजेस बताना है। यहाँ पर कॉपर का मतलब होता है तांबा ना, तो तांबा शब्द लिखा हुआ कॉपर के लिए लिखा हुआ है। लोहे की छड़ को तांबे कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर तांबा विस्थापित हो जाता है, जबकि तांबे की छड़ को फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में डालने पर लोहा यानी कि आयरन विस्थापित नहीं होता है, क्यों, ये क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन अपन चलते हैं उसी का, सेम क्वेश्चन है, जहाँ पर लोहा लिखा हुआ वहाँ पर जिंक होगा, बस यही चेंज हो जाएगा, यानी जहां पर आयरन है वहां पर जिंक है, क्वेश्चन सेम है। अब यहां पर क्वेश्चन यह है कि जिंक रॉड को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर वह नीला रंग लुप्त हो जाता है, ऐसा क्यों। आपने यदि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़े होंगे तो आपको ये चीज बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। और अगर ये प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आप इस चैप्टर को ठीक से पढ़िए, इसके आंसर आपको वहां पे मिल जाएंगे और आपको लॉजिक करने भी आ जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन का। क्या आप एक जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं, ये तीनों क्वेश्चन एक जैसा है, अब इसका जवाब आपको देना होगा और ऐसा क्यों कर सकते हैं और ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं ये जवाब देना होगा। अब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का नामांकित चित्र बनाइए और इसमें होने वाली सेल रिएक्शन को समझाइए। फिर इसके बाद क्वेश्चन है विद्युत रासायनिक श्रेणी यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आप क्या समझते हो और इसका क्या उपयोग है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको इसके लॉजिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से करिए। फिर आता है ईंधन सेल यानी फ्यूल सेल, फ्यूल सेल, तो फ्यूल सेल क्या है ये समझाना है आपको। क्वेश्चन नेक्स्ट, ऑक्सीकारक एवं अपचायक किसे कहते हैं अथवा ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये अलग बात हो गई, और इसी ऑक्सीडेशन ये यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीकारक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और अपचायक का मतलब होता है रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं। और इस क्वेश्चन को एक जैसा नहीं मान सकते, दोनों क्वेश्चन अलग है।
ये यहां पर ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या है, इसको समझाना है। फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकारक और अपचायक को यहां पर छांटना है। अगर आप इन बातों को ठीक से समझते होंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इनमें जो लिखा हुआ है ये क्वेश्चन सिर्फ इसी तरह से नहीं आते हैं, इसके साथ आपको दो तीन बातें आएंगी। एक तो ऑक्सीकारक पहचानना है और ऑक्सीकरण क्रिया कहाँ पर हो रही है ये बताना होगा। इसी तरह से अपचायक पहचानना है और अपचयन अभिक्रिया कहाँ पर हो रही है ये पहचानना होगा। थर्ड यह है कि इसको बैलेंस करने का भी क्वेश्चन हो सकता है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको इसके रेफरेंस में दिया है। तो इस क्वेश्चन को ये देखिए, नीचे भी हमने इसी तरह के क्वेश्चन रखे हैं, पर इसको संतुलित करने के लिए यानी बैलेंस करने के लिए रेडॉक्स इक्वेशन बैलेंसिंग को आपको समझना होगा, तो यहाँ पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इनको भी समझें और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करें। तो ये दो क्वेश्चन दो टाइप का आपको दिख रहा है। इस क्वेश्चन में आपको ये बताना होगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्न में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण एवं अपचयन हो रहा है। तो ये आपको यहाँ पर शो करना है कि किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस में रिडक्शन हो रहा है। और कैसे करेंगे, आपने इस चैप्टर को पढ़ा है तो आप कर सकते हैं। यानी जो फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वो ये है कि रिडॉक्स की क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने आना चाहिए। सेकेंड पार्ट ये कहता है कि उनसे रिलेटेड जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना है। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 13। एक विद्युत रासायनिक सेल और डाउन सेल का नामांकित चित्र बनाना है। लगभग हमने शुरुआत में भी ऐसे क्वेश्चन देखे थे, पर उसमें हम डाउन सेल का उपयोग नहीं किए थे, वहाँ पर अंतर की बात चल रही थी, डिफरेंस बताना था। यहाँ पर आपको फिगर बनाने हैं और उसको समझाना है। गैल्वेनिक सेल क्या है, जब ये कर सकते हैं तो ये तो बड़ी आसान बात है, एक ही मतलब है डाउन सेल। डाउन सेल विद्युत रासायनिक सेल, यहाँ पर डाउन सेल में क्या होगा, आपको पता है सोडियम मेटल एक्सट्रैक्शन के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। यहां पर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसको आपको समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नस्ट समीकरण, नस्ट इक्वेशन व्युत्पन्न करना है। इक्वेशन आपको पता हो, उसके न्यूमेरिकल भी आपको बनाने होंगे आगे जा करके। एकल इलेक्ट्रोड तथा किसी सेल के लिए नस्ट समीकरण का व्यंजक अलग अलग लिखिए। यहां पर दो बातें हुई, नस्ट इक्वेशन क्या है वो आपको कैलकुलेट करना है, उसको व्यंजक बनाना है यानी उसको डेराइव करना है, साथ में यानी एकल इलेक्ट्रोड का यानी कि सिंगल इलेक्ट्रोड का, और साथ में किसी सेल का करने का मतलब है कि इसमें दोनों सेल के साथ, यानी आपको यहां पर ई सेल इज इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड के साथ भी इसको ज्वाइंट करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 15, घटते हुए इलेक्ट्रोड विभव के अनुसार कुछ तत्व निम्न क्रम में है, यहां पर यह लिखा गया है, बताइए कि उनमें से कौन से तत्व हाइड्रो अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करेंगे। इसके बेस पर आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा है जिसकी एसिड से रिएक्शन कराएंगे, अम्ल से रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़े हैं और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये बातें उसके अनुप्रयोग में एप्लीकेशन में बताया गया है, ठीक है, तो आप इनको कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन आता है, उस सेल का ईएमएफ ज्ञात कीजिए जिनमें निम्नलिखित अभिक्रिया है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, और इससे थोड़े हैवी क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जब हम इसके बाद सेकंड पार्ट इस चैप्टर के क्वेश्चन का हम बनाने वाले हैं, तब ये सारी बातें हम वहां पर करेंगे। फिलहाल आगे चलें, इन दोनों में आपको बताना है कि ईएमएफ ज्ञात करना है इसके बेस पर। फिर क्वेश्चन आपके पास, रेडॉक्स रिएक्शन ये है, और इसमें इस रिएक्शन के बेस पर आपको ये बताना है, ये देखो Fe प्लस Zn प्लस 2 गिव्स Fe प्लस 2 प्लस Zn, ये रिएक्शन हो रही है, तब यहाँ पर उक्त अभिक्रिया होगी, यानी ये रिएक्शन होगा, ये वाला रिएक्शन होगा कि नहीं होगा बताना है इस बेस पर। चलिए फिर एक क्वेश्चन है, निम्न युग्मों से जलीय माध्यम में विद्युत रासायनिक सेल के को प्रदर्शित कर सेल विभव का मान निकालिए। आपको बताया जा रहा है यहाँ पर कि ये जो कुछ आपको रिएक्शन दिया गया है और इसमें कुछ वैल्यू दी गई है, उस बेस पर हमें सेल का ईएमएफ ज्ञात करना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपको कैलकुलेट करना है। फिर क्वेश्चन को कुछ अलग दिया गया है इसी तरह से, निम्न युग्मों से यानी ये जो दो दिए गए हैं इनसे विद्युत रासायनिक सेल को प्रदर्शित कर सेल विभव यानी ईएमएफ ज्ञात करना है।
लगभग क्वेश्चन एक ही है, बस एग्जांपल अलग है, यानी वैल्यू अलग है. अब क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए. यहां पर देखिए आप, निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल के विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिंक की रिएक्शन सिल्वर आयन के साथ हो रहा है, तब ये जिंक आयन बनता है और सिल्वर मुक्त हो जा रहा है. इस समय इनके लिए ये वैल्यू दी गई है और इनके लिए ये वैल्यू दी गई है, तब ईएमएफ आपको कैलकुलेट करना होगा. एक अलग क्वेश्चन है, सेल के विद्युत वाहक बल का तात्पर्य क्या है, आप ईएमएफ का मतलब क्या जानते हैं और साथ में उसका फॉर्मूला क्या होगा ये बताना है. नेक्स्ट इक्वेशन तो देखे ही होंगे, उसके बेस पर आपको करना है. चलिए, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण एवं अपचयन हो रहा है. तो आप देखिए, इसमें और इसमें में ऐसे क्वेश्चन हम एक बार और पढ़ चुके हैं, बस उसका ये अलग एग्जाम्पल के साथ रिएक्शन क्वेश्चन है. क्वेश्चन है, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. आपने इस क्वेश्चन को कई बार देखे हैं अभी, बस ये है कि क्वेश्चन किस किस तरह से ये घूम के आते हैं वो आपको बताने के लिए. वही वही क्वेश्चन अगर दो चार बार आए भी हैं तो वो आपको आपके सामने रख दिया गया है ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो. तो इनकी चार जो स्पेसिफिकेशन है, चार उपयोग है या चार विशेषताएं हैं, इनको बताना है आपको. फिर क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट विलयन का सांद्रण दिया गई है 0.001 मोलार और जिंक विलयन का भी इसमें दिया गया 0.1 मोलार. तो 298 केल्विन पर डेनियल सेल का ईएमएफ ज्ञात करना है यदि ई नॉट की वैल्यू इतनी दी गई है. मतलब आपको समझ में आ गया होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नर इक्वेशन का उपयोग करना होगा और ये क्वेश्चन बन जाएगा. विद्युत वाहक बल तथा विद्युत विभवांतर में अंतर बताना है, यानी ईएमएफ और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में या पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस बताना. ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस में आपको डिफरेंस बताने, अंतर बताना है. चलिए, ट्वेल्थ में स्पेशली आप पार्ट टू मान के चले कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके पास हो सकते हैं, वो है ओस्टवाल्ड का तनुता नियम, डाइल्यूशन लॉ ऑफ ओस्टवाल्ड. तो इनको आप बताएंगे. क्वेश्चन है, दो प्रबल और दो दुर्बल विद्युत घटों के नाम एवं सूत्र लिखना है आपको. काफ़ी इजी क्वेश्चन है जिसको आप बना सकते हैं. स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. सीबीएसई एग्जामिनेशन के लिए तो काफ़ी क्वेश्चन है उसमें. अगर तैयारी आप किसी भी चीज़ को छोड़ के ना करें, पूरा पूरा करें. विद्युत अपघटनी चालकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है. फिर चालकता जल क्या है, यानी कंडक्टिविटी वाटर क्या है, कंडक्टिव वाटर क्या है. फिर इसमें सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट, तुल्यांक की चालकता यानी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, वाटर कंडक्टिविटी या यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलार कंडक्टिविटी आणविक चालकता की इकाई बताना है. कैसे इसका यूनिट आप कैलकुलेट करेंगे बनाएंगे इसको देख लीजिए, आपके वीडियोस में ये सारे चीज़ें हैं. फिर देखें आगे, विद्युत अपघटन की फैराडे का नियम आपको लिखना है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. फिर कुछ बातों को समझें यहाँ पर, विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, तुल्यांकी चालकता, श्रांतिकाल, तुल्यांकी चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी ये हुआ, और ये श्रांति प्रभाव, रिलैक्सेशन इफेक्ट ये क्या है, इनको आपको समझाना है. कोलरोश का नियम क्या है, उसका कुछ अनुप्रयोग बता देने हैं. क्वेश्चन है, निम्न किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता का मापन किस प्रकार किया जाता है. तो आपको व्हीटस्टोन ब्रिज के बेस पर आपको एक प्रायोगिक तौर पे इसको समझाया गया है, इनको आप ज़रूर देख लीजिएगा. इस क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे मिल जाएगा. क्वेश्चन है, विद्युत अपघटनी पदार्थ की चालकता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए. विद्युत अपघटनी चालकता मतलब यहाँ पर यह बोला गया है कि विद्युत अपघट्य है यानी इलेक्ट्रोलाइट है, उसका जो सॉल्यूशन है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए कौन कौन से फैक्टर यहाँ पर होता है, जो इफेक्टिंग होता है, इफेक्टिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं वो बताने हैं और वो किस तरह प्रभावित करते हैं उन्हें बताने हैं.
डिबाई हकल का नियम, प्रबल विद्युत घट्टियों के लिए डिबाई हकल का नियम लिया जाता है उनकी चालकता को प्रभावित करने वाले कारकों के साथ। फिर हम देखेंगे यहाँ पर धात्विक चालन एवं विद्युत अपघटनी चालन में क्या अंतर है, मेटालिक कंडक्टिविटी और या मेटेलिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में क्या अंतर है। नेक्स्ट है एक नॉर्मल विलयन एक चालकता सेल में डुबाए गए हैं, इलेक्ट्रोडों के बीच की डिस्टेंस जो दी गई है 2.1 सेंटीमीटर तथा प्रत्येक इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल 4.5 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि विलयन का प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस दिया गया 50 ओम तो विलयन की तुल्यांकी चालकता ज्ञात करना है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपको ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं जहां तक क्वेश्चंस के हुए हैं, तो इनको सॉल्व करके देखिए। फिर एक और क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, 300 केल्विन ताप पर 0.1 नॉर्मल केसीएल विलयन की विशिष्ट चालकता इतनी दी गई है, कप्पा है ये, विशिष्ट चालकता यानी कि कप्पा होता है ये दी गई है, और नॉर्मलिटी दी गई है ये है 0.1, सीधी सी बात है। केल्विन टेम्परेचर की बात करें तो ये हुआ 300। मैं आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत बातें बता देता हूँ। फिर लिखा हुआ है प्रति सेंटीमीटर पाई गई, ये हो गया। फिर यदि इस विलयन से भरे चालकता सेल का इसी ताप पर प्रतिरोध यानी कि आपको रेजिस्टेंस दिया गया 55 ओम तो सेल स्थिरांक की गणना कीजिए। सेल स्थिरांक की गणना करना है, सेल कांस्टेंट का आपको गणना करना है, एक्स आपको कैलकुलेट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एसिटिक अम्ल का अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना है, लैम्डा एम इन्फिनिटी ज्ञात करना है। इसके लिए कुछ और बातें होंगी, कुछ चीज़ें हमको लिखना है, यहाँ पर लिखा नहीं गया है, वो ये क्वेश्चन अधूरा है, तो इस क्वेश्चन को पूरा करने के लिए हमें नेक्स्ट वीडियो में हम जाना पड़ेगा। इन सारे प्रश्नों को आप सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। इन प्रश्नों में आपको आपके सक्सेस होने के लिए काफ़ी क्वेश्चंस दिए गए हैं, और इन सारे प्रश्नों को तो आपको बिल्कुल आना ही चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकें। तो इन प्रश्नों को आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, और शुरुआत से ही आप तैयारी करें, शुरुआत से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, और ऐसे क्वेश्चन को तैयारी आपकी होनी भी चाहिए। अगर किसी तरह के कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो या किसी तरह के क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि पार्ट वन का ये वाला क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा है और पार्ट टू का ये वाला नंबर का क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, आप सॉल्व कराइए या इसका वीडियो दे दीजिए तो मैं दूंगा। लेकिन याद रखिए, अगर आप मुझसे ये पूछेंगे सर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये थोड़ी मुश्किल हो जाएगी क्योंकि मैंने इसके वीडियोज़ आपको दे चुके हैं। अगर थोड़ा सा उस वीडियो के अलावा और भी चीज़ें होंगी जो नहीं बन पा रहा है, अगर वो पूछते हैं तो जवाब देना मेरे लिए भी आसान होगा, तो वो ज़रूरी है। और फिलहाल तो इनके लगभग सारे क्वेश्चन बन जाएंगे जो वीडियोस हमने अपलोड किए हैं, तो इसलिए उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो ये वीडियो मंडे या ट्यूसडे को अपलोड करने की कोशिश करेंगे यदि आपने पूछा उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आज मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने वाला हूँ, वो है कि YouTube में जो वीडियोस आप देखते हैं उसमें एक बड़ा प्रॉब्लम ये था कि जो प्लेलिस्ट है वो इधर उधर बिखरे हुए थे। चैनल में बहुत सारी चीज़ें जो है रहती, जैसे क्लास 12th आप ओपन करना चाहते हैं तो क्लास 12th में पहला क्या पढ़ें दूसरा क्या पढ़ें वो अरेंज नहीं था, यानी प्लेलिस्ट जो था ऊपर नीचे था। जैसे चैप्टर 1 जो है हो सकता है तीसरी जगह में मिले या चौथी जगह में मिले, तो हमने उसे अरेंज कर दिए हैं। 11th और 12th दोनों मिक्स था, कहीं पर 12th का प्लेलिस्ट था जिसमें एक चैप्टर था, पहला चैप्टर की पूरी वीडियो मिलेंगी, फिर उसके बाद इलेवंथ की वीडियो मिलेंगी, ऐसा एक अरेंजमेंट जो है वो हम लोग नहीं कर पाए थे। यानी प्लेलिस्ट में जैसे जैसे हमने वीडियो बनाते गए और डालते गए उस तरह से अरेंज था। हमने आपके लिए इस असुविधा को दूर करने के लिए एक बढ़िया सा तरीका अपनाया है कि जैसे हमारा चैनल ओपन करेंगे वैसे ही सबसे ऊपर में क्लास 12th केमिस्ट्री मिलेगा,
हमारी वीडियो पहली बार अगर देख रहे हो, न्यू सब्सक्राइबर हो, तो मैं आपको जानकारी दे दूं, क्योंकि अक्सर रोज आप फोन करते हो कि सर हम अपना आपका चैनल देखना चाहते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, पर हम कहाँ से स्टार्ट करें। तो वो बात अलग है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि अब इसको देखेंगे कैसे, अब इस चैनल को देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा। सारे वीडियोज यहाँ पर फ्री में अवेलेबल है, जितने चैप्टर हमने अपलोड कर दिए वो है। तो क्लास देखो कैसे करोगे, मेरे चैनल को सर्च किया आपने, विक्रम हैब केमिस्ट्री, विक्रम हैब केमिस्ट्री, तो मेरा एक फोटो आएगा यूट्यूब पर, उसको क्लिक करेंगे तो आपको मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। आप मेरा चैनल देखेंगे, उस चैनल में सबसे पहले ऊपर में लिखा है क्लास 12th केमिस्ट्री, देख रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री। फिर उसमें लिखा हुआ है, सबसे पहली वीडियो दिख रही है वहां पे प्री बेसिक केमिस्ट्री के, एक प्लेलिस्ट है उसमें काफी वीडियोस हैं, उसको अगर क्लिक करोगे तो उनके सारे वीडियोस खुल जाएंगे। उसके बाद है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, जितने वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं जिनका प्लेलिस्ट बना हुआ है वो चैप्टर उसमें अवेलेबल है। जिस चैप्टर को आपको पढ़ना है आप वहां पे क्लिक करिए, उनके पूरे वीडियोस आ जाएंगे, उसका सारे लेक्चर आ जाएंगे लाइन से। अब देखो क्या करेंगे, क्लास 12th मिला, थोड़ा ऊपर देखें तो आपको पता चल रहा है कि चार प्लेलिस्ट दिखाई दे रही है, चार प्लेलिस्ट दिखाई दे रही है। उसके नीचे अगर इसी क्लास 12th को ही करना है तो ऐसा एक एरो का साइन लगा होगा, इस तरह का साइन लगा, इस साइन को क्लिक करोगे तो फिर और भी प्लेलिस्ट खुल जाएंगे, क्लास 12th का और भी प्लेलिस्ट खुल जाएगा। फिर इस तरह से और करेंगे तो और लिखा रहेगा कि और भी वीडियोस है, व्यू मोर वीडियोस मोर प्लेलिस्ट, तो उनको भी ऐसे ही क्लिक करोगे तो फिर खुल जाएगा, यानी क्लास 12th का पूरी वीडियो जो जो हमने प्लेलिस्ट बनाए हैं, जो जो चैप्टर बनाए हैं, वो चैप्टर खुल गया। वैसे 11th वालों के लिए तो सबसे पहला है क्लास 12th केमिस्ट्री, दूसरा है क्लास 11th केमिस्ट्री, फिर उसके बाद मैंने लिख दिए हैं मोटिवेशनल वीडियोस। हम कुछ मोटिवेट करते रहते हैं आपको कि, और या कुछ यूजफुल वीडियो है, कुछ एमसीक्यूज है, इनके लिए मैंने मोटिवेशनल वीडियो के एक प्लेलिस्ट बनाए हैं। तो इस तरह से काफी सुविधाजनक हो गया है ये चैनल। आप इस चैनल में अब आपको किसी चीज को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे जैसा कि आप चाहते हैं। तो हमारा चैनल व्यवस्थित हो गया है, आपको मुबारक, आपको इस चीज की बधाई कि आपको हम अपनी वीडियोस को अरेंज करके आपको दे रहे हैं, मिल गया होगा। अब बातें करते हैं कि आप केमिस्ट्री में, कुछ स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कुछ बच्चे अभी नए नए ज्वाइन हो रहे हैं उनके लिए, और जो बच्चे पहले से ज्वाइन है इनके लिए। जो बच्चे सबसे पहले ज्वाइन है उसको बात कर लेते हैं कि क्या हमारे वीडियोस आप रेगुलरली देख रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं तो इस तरह से आप देखें जैसा कि मैंने अरेंज किया। एक और बड़ी बात बोलूंगा, अगर आपको केमिस्ट्री रियल में सीखना है तो आप एक काम करें, चैप्टर 1 पढ़ लें, फिर 2 पढ़ लें, फिर 3 का पूरी वीडियो कर लें, 4 का पूरी वीडियो कर लें, ऐसे लाइन से चलें आप। अगर आप आगे पीछे कभी चैप्टर 1 पढ़े नहीं हो, या चैप्टर 1 पढ़े फिर उसके बाद चैप्टर 3 में चले गए, 5 में चले गए, कभी 12 में चले गए, कुछ लोग तो चैप्टर 15 भी कर चुके हैं, तो ऐसे मत पढ़ें, क्योंकि जो भी लोग इस तरह से पढ़ा रहे होंगे वो रियल में उसको तकलीफ होता है स्टूडेंट को पढ़ाने में, और जो पढ़ रहे हैं उनको भी तकलीफ होता है केमिस्ट्री पढ़ने में। तो केमिस्ट्री पढ़ने का एक अच्छा तरीका यही है कि आपको हर चैप्टर को लाइन से पढ़ना है, जैसे कि एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है, पहले पार्ट 1 को पूरा कवर कर लो, फिर पार्ट 2 को कवर करोगे। तो आपको मैं बधाई देते हुए आगे बढ़ूंगा, इस तरह से आप हमारे चैनल को ओपन करें और सारी वीडियोज को देखें, आपके लिए फायदेमंद होगा। आपको मैं रोज रात को 8 से 9 लाइव क्लास ले रहा हूं, अभी लाइव क्लास आ रही है MWF में, मंडे वेनसडे फ्राइडे, सोमवार बुधवार और शुक्रवार को क्लास 12th का लाइव आ रहा है।
और TTS ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे को हम ले रहे हैं 11th का लाइव, इसमें आप रहें और इनको मेरे लाइव के साथ रहें। आज शाम को रात को 8 बजे मैं आपके साथ रहूंगा, 8 PM ना, टाइम क्या बताया मैंने, 8 PM, और पूरी तैयारी के साथ आप आए और तैयारी करें। मैंने टॉपिक दे दिए हैं इस हफ्ते का क्या चल रहा है, क्लास 11th में चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग और क्लास 12th में चल रहा है हेलो एल्केन। तो आपको जो भी चीज पढ़ाई जा रही है उसको कंटिन्यू करिए। और अच्छा एक बात बोलना चाहूंगा क्लास 11th वाले बच्चों को भी और 12th वाले बच्चों को, मैंने आपके कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्री बेसिक केमिस्ट्री क्लास दिए हैं, उनको जरूर आप लोग पूरा करके रखें। एक और बातें बोलना चाहूंगा कि नोट्स आपको कैसे मिलेगा उसको समझें आप थोड़ा सा। अब एक जरूरी बात बता रहा हूं कि आप ये पूछते हैं कि सर हमें नोट्स कैसे मिलेगा या नोट्स कैसे बनाएं, तो उनके लिए भी मेरे पास जवाब है। मैं जब क्लास ले रहा होता हूं तो आपने देखा होगा, किसी भी क्लास को आप देखें, उसमें कॉपी पेन लेके बैठे नहीं हैं, तो फिर आप वीडियो देखते हैं और काम खत्म करते हैं, भाई पढ़ाई हो गई, हमारे पास कुछ नहीं लिखने के लिए है ना आपके पास। आप चैप्टर 1 खोलिए या प्री बेसिक केमिस्ट्री ही पढ़े होगे, जिसको भी पढ़े होगे आप। मैं जब कोई चीज पढ़ा रहा हूं तो उस टाइम कुछ लिखाता भी हूं, यहां पे लिखता भी हूं। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। ये इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जबकि आप जानते हैं कि क्या कहते हैं 4s2 3d4 जो है वो रॉन्ग है, एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। तो इसका सही क्या होगा, इसका सही होगा कि ये तो वही होगा, इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, देखो तो 1s2 2s2 2p6 तो कितना हुआ, ये 18 हुआ। तो 18 किसका होता है, आर्गन का, AR, शॉर्ट में हमने क्या लिखा है उसको, 4s2 3d4 ऐसा लिख सकते हैं, पर मैं आपको बता दूं शॉर्ट में लिखने का तरीका है, यही लिख रहे हैं, ये दोनों सेम है पर ये दोनों ही रॉन्ग है। राइट क्या है आपको पता है ना, राइट क्या है, राइट है कि 4s1, s का एक इलेक्ट्रॉन d में चला जाता है, तो ये हो गया 1 और ये 5। क्यों जाता है, कैसे जाता है, वो भी हम जब पढ़ाते हैं तो आपको वो लिखना होता है। तो चलो मैं बताता हूं यहां पे, और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया है, ये वही चीज है, सेम है। तो ये ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट है। कुछ और भी तरह से लिख सकते हो कि भाई 3d पहले आता है परमाणु में, एटम में, 4s बाद में आता है, तो उस तरह भी अरेंजमेंट कर सकते हो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो AR 3d5 4s1। आप जानते हो कैसे, तो मैंने इसके आपको वीडियो बना के दिए हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, और आपने उसको बनाए हैं और सीखे भी हैं। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको नोट्स कैसे मिलेगा, अब मैंने ये बना दिए, आपने देख लिए, जान गए, और आपने इसे अब नोट नहीं किया, तो कहां से मिलेगा आपके पास नोट्स। अब इसे नोट करो, आपने सीखा, अब बिना देखे इसको बना के देखो, अपनी कॉपी में बनाओ, इसको बनाओ, जब इसको बनाओगे तो उसको आपकी कॉपी में दर्ज हो जाएगा। दो फायदा हुआ, एक आपने मुझसे सीखा, दूसरा आपने लिखा, लिखते समय आपने कुछ सोचा, तो किसी चीज को पढ़ो, सोचो और लिखो, पढ़ो, सोचो और लिखो। ऐसा करने से होता क्या है, पढ़ते हो वो तो पढ़ना कोई भी पढ़ लेता है, किसी भी चीज को पढ़ लोगे उसका मतलब नहीं जानोगे, कोई मतलब नहीं रहेगा, पढ़ोगे सोचोगे और लिखोगे। तो लिखते हो तो वो राइट लिखा है कि रॉन्ग लिखा है, वो आप फिर से देखो, मैच करो जो हमने पढ़ाया है। इस तरह से आपकी क्या बनने लगती है, नोट्स बनने लगती है, कॉपी बनने लगती है, और इस तरह से आप बेहतर नोट्स की तरफ जाते हो। प्रिंटेड नोट्स जो होता है उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, आपने प्रिंटेड नोट्स है, आपका मन करता है पढ़ो, जब तक उस चीज को टीचर ने समझाया नहीं, आपने पहले से पढ़ लिया, उसकी क्लासेस ही नहीं गए हैं,
याद रखना, ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए होता है टीचर के द्वारा किया गया गाइडलाइन, गाइड, पढ़ाना, समझाना। उसके बाद सेकंड होता है वो नोट्स। नोट्स आपके पास अवेलेबल है आपके पुस्तक में, आपके बुक में भी। हम कोशिश कर रहे हैं कि आप नोट्स भी आपको प्रोवाइड करें और उसे आप देखें। इसी चीज को लिखा हुआ हम आपको नीचे एक पीडीएफ दे रहे हैं, उसको जरूर देखिए। तो पहले तो यह हुआ कि ऐसा आप नोट करेंगे तो समझ में आ गया। तो इसका इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रियल क्या है? रियल है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5। उसे शॉर्ट में लिखा जा सकता है अर्गन, एटॉमिक नंबर 18 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, वो फिक्स है। फिर 4s1, 3d5, ऐसे ही इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो आप अपनी कॉपी में जब आप नोट करोगे तो आपके दिमाग में वो चीजें अच्छे से आ जाएगा। तो बेटा आप समझो मेरी बातें कि आपको कॉपी पेन से जरूर लिखना है। मैं हर वीडियो में ये बात बोलता हूं। आपको कुछ दिनों में अब त्रैमासिक एग्जाम की भी तैयारी कराने की बात करूंगा और क्या क्या पढ़ना है आपको पता होगा। मैंने आप चलो एक काम करके देखो कि हमारे ये जो चैनल अरेंज हुआ है उसमें क्या क्या आपने कोर्स कर लिए हैं, क्या क्या नहीं किया है। अभी और भी बहुत कुछ आना है। जो प्लेलिस्ट बना हुआ है इस प्लेलिस्ट में और भी वीडियोस इंक्लूड होने हैं, वो होते रहेंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं और उनके बेल आइकॉन को दबा दिए हैं। बेल आइकॉन दबाने का मतलब है बेल आइकॉन ऑन है कि ऑफ है, वो ऐसे चेक किया जाता है। ये इस तरह का बेल बना होगा इस तरह से, और इसमें आपको पता है कि ऐसे अगर ब्रैकेट लगा होगा तो समझ जाना कि आपका बेल आइकॉन चालू है, नोटिफिकेशन बेल चालू है। और ये दोनों ब्रैकेट नहीं होगा तो समझना कि आपका नोटिफिकेशन ऑन नहीं है, इसलिए आपको सूचना नहीं मिल पाती है। ये वीडियो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण रहा इसके लिए आप मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और लाइक जरूर करें क्योंकि आपके लाइक करने से हम और भी बेहतर काम करने की कोशिश करते हैं। साथ में हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि उनको भी पता चले कि वीडियोस कहां से देखना है, कैसे देखना है और क्या देखना है। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक लिस्ट लाने वाला हूं जस्ट कुछ ही दिनों में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।